Ryan. Good morning. Good morning, class. बताया जाए, क्वेश्चन बताएंगे? स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला? दोनों से. अन्नागार, दोनों से. अन्नागार, दोनों से. जल्दी बैठिए लो. अपना अपना ऑफलाइन वाले लोग आई कार्ड ले लीजिएगा. वो नए वाले ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट, किस ऑफिस से होता है जी? उधर नया ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट होता है. अरे इस ऑफिस में जगह नहीं बचता, इतना भीड़ हो जाता है. तो पीछे नया वाला ऑफिस है, वहां से अपना आई कार्ड लीजिए. मंडे को विदाउट आई कार्ड आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा. आगे बढ़े. स्वास्तिक चिन्ह दोनों जगहों से मिला है. स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला है? दोनों जगह. मोहन जोदड़ो से भी मिला है और हड़प्पा से भी. अन्नागार भी दोनों जगह, लेकिन बड़ा वाला अन्नागार मोहन जोदड़ो. लाशों का टीला कब्रिस्तान हड़प्पा. कब्रिस्तान हड़प्पा. उल्टे बोलता है ये गधा आगे बैठ के. मोहन मोहन जोदड़ो. यहां से क्या क्या चीज मिला है आप लोग को पल याद है? हाँ, पुरोहित आवा, घर में कुआं, घर में कुआं, स्नानागार, अन्नागार, सभागार, चौड़ी सड़क, चौड़ी सड़क. कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर, सूती वस्त्र, पशुपति शिव. चलिए अब सीक्वेंस में याद करते हैं. आप लोग पूरा इसको नाश दिए हैं लोग. अब हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं? कुछ अपना सीक्वेंस बना लेते हैं जिससे क्या हो सके, याद हो सके. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी जो लोग यहीं आके खोलते हैं मटेरियल, वो लोग थोड़ा सा घर पे भी देख लिया करो लोग. कभी कभी तो पढ़ लिया करो लोग. अपने पे एहसान कर दो. नहीं समझ में आया? ऐसा रहता ना कि सरकार छूट दे देती सरकारी डंडा से कि किसी को, मतलब जो नहीं पढ़े उसको पीटो. सड़किया पे रोक रोक आदमी पूछता. नहीं समझे? कहीं मिल जाता गांधी. अरे इधर 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 बता बता. बर्नौली पर मैं बताओ, बर्नौली थ्योरी नहीं बताएगा ले. किस एग्जाम का है? इतना ना आराम से पटना का लड़का का लाइफ स्टाइल होता है. और ऑनलाइन वालों को लगता नहीं कि पटना बहुत अच्छा है. यहाँ के लड़का लोग आराम से सूत के उठेगा सब. एक बात बताओ, सैटरडे संडे आप लोग अपना शेड्यूल बिगाड़ लेते हो. जो डेली 7 बजे उठने वाला, 6 बजे उठने वाला है, उस दिन 10 बजे उठता. हाँ, लेकिन सैटरडे संडे को सैटरडे संडे को अपना शेड्यूल नहीं बिगाड़ा कीजिए. आप लोग सूते के उठेगा सब 10-10 बजे सैटरडे संडे. चलिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. खाली सवेरे उठ जेला से आदमी अच्छा विद्वान हो जाएगा. रिवीजन बहुत जरूरी होता है. देखिए, इसको हम लोग अपने तरीका से याद करते हैं. इसमें सबसे पहले हम लोग पुरोहित को बैठाते हैं, पुरोहित आवास. अब पुरोहित घर में कुआं से निकालेगा पानी, लेकिन फिर ना जब मंदिर के पास जाना होगा तो स्नानागार से भी एक बार नहाएगा. तो पुरोहित आवास घर में कुआं और स्नानागार दोनों है. क्या है? दोनों है. और सूती वस्त्र का कपड़ा पहनेंगे. पंडित जी को सूती वस्त्र का धोती पहना दीजिए, तो सूती वस्त्र का कपड़ा पहनेंगे. और वह खाना खाएंगे कि नहीं, तो अन्नागार में से निकाल के खाना दे दीजिए. तो सारा अर्ध इर्द गिर्द किसके घुमा दीजिए? पुरोहित के आवास. तो बताइए, पहला पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, आवास याद रहेगा. इनको नालाइए काम है, घर में कुआं, घर में कुआं और स्नानागार.
इनका मन किसी में से नहा ले, पुरोहित है इनको दोनों में से, नॉर्मल दिन में नहाना होगा तो कुआं में से निकाल के नहाने, किसी बड़ा प्रोग्राम होगा तो डुबकी लगा के नहाएंगे। अच्छा ये तो हो गया, उसके बाद सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, और उसके बाद अन्नागार, अन्नागार खाना खा लिए, सूती वस्त्र का अन्नागार खाना खा लिए। विकास कुमार तुम लोग पढ़ाई करिया करो, डेली दो चार को लेके आके कहेगा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, हमरा खुद ही नहीं पता हमारा बर्थडे कब है, नहीं समझ में आए, पढ़ो बिना मतलब का बर्थडे का है मनाता है सब। हम लोग के समय में बर्थडे उर्डे नहीं होता था, हम लोग के समय जितना हम लोग जिस जनरेशन के उसमें किसी को बोलिएगा हैप्पी बर्थडे तू लजा जाएगा, अरे अब का बोली हो एक रहा हो नहीं समझ जाएगा, थैंक यू बोलना पड़ता है। हाँ नया जनरेशन दिल्ली मुंबई वाला ना हैप्पी मदर डे हैप्पी फादर डे, अपने पापा को बोलिए हैप्पी फादर डे, पापा लजा जाते हैं, क्या बोल रहा है नहीं समझ, हाँ समझ में आता है उनको, हैप्पी न्यू ईयर आ गया क्या, आप लोग तो एक को मनाते हैप्पी न्यू ईयर, और भी खलिया आदमी के लिए है ये सब, 31 दिसंबर को बैठ के सोचेगा कि अगले दिन से सब चीज छोड़ देंगे, अरे छूटता है यहाँ पे, इधर नौटंकी सीबीएसई वाला मचाया है सब, रिवोल्यूशन डे लेगा यहाँ पे, पुरोहित आवास कुआं स्नानागा सूती वस्त्र अन्नागा, सूती वस्त्र के बाद अन्नागा, पेट भर गया अब इनका। अब देखिए ध्यान से, अब ये जाएंगे चौड़ी सड़क पर, पंडित जी हैं गली उली में तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, चौड़ी सड़क पर, चौड़ी सड़क पर। अब बताइए कहाँ जाएंगे, पशुपति शिव, पशुपति शिव किसके मंदिर, पशुपति शिव के हम, जहाँ शिव जी जाएंगे वहां तो भीड़ लगेगा ही, तो पशुपति शिव को देखने के लिए सभागार, 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 सभागार हो गया कि नहीं हो गया, किसी को दिक्कत, सभागार। शिव जी को शिव तांडव बहुत पसंद था, वो शिव तांडव एक नृत्य भी है, उसमें क्या है नृत्य भी है, तो कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, तो यहाँ पे भाई कांसे की क्या मिल गई, नर्तकी, तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी और तांबा का ढेर, तांबा का ढेर याद रहेगा, हो गया। स्वास्तिक चिन्ह तो दोनों जगह है, स्वास्तिक चिन्ह दोनों जगह, हड़प्पा में भी है स्वास्तिक, मोहनजोदड़ो में भी है स्वास्तिक, अन्नागार दोनों जगह है, वहां की लाश सिस्टमेटिक दफनाई गई है, यहाँ ले आके फेंक दिया है टीला, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला, अस्थि पंजर होता है जिसे, अस्थि पूछ रहा अस्थि पंजर क्या होता है, लाशों को ऐसे ही फेंक दीजिएगा ना तो उसे क्या कहेंगे, अस्थि पंजर, उठा कर ऐसे ऐसे फेंक दिया जहाँ तहाँ तो अस्थि पंजर हो जाता है, जैसे आदमी जानवर वगैरह को कैसे दफना देता, कोई नियम कानून थोड़े होता है, ऐसे इंसान को दफनाने का नियम कानून है, सर किधर रहेगा, पैर किधर रहेगा, मरने के बाद हल्का सा सर को किधर की ओर झुका दिया जाएगा, सारा सिस्टम होता है यहाँ पे। चिता जलाने का भी नियम ऐसा थोड़े केंद्र साइड में कुछ लगा के जला देंगे, देखते हैं कि नहीं मुंह किधर रहेगा, सिधान किधर रहेगा, पैतान किधर रहेगा, अब मुखाग्नि कौन देगा, सारा चीज का क्या है नियम कानून। तो अस्थि पंजर व्यवस्था नहीं है, वो अंत्योष्टि कार्यक्रम है, क्या है अंत्योष्टि, यूक्रेन में जो हो रहा है वो क्या है अस्थि पंजर, अस्थि पंजर, अब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो इससे पहले बहुते स्टॉक में बच गया था पुतिन के हथियार, 1960-70 का हथियार बना बना रखा था, मार हुआ ही नहीं, बच गया था गोदाम में, एक साल से सदा दिए किस पे, यूक्रेन पे, तो यूक्रेन को लग रहा है एकरा पास यही हथियार था, अरे यार उस सदा दिया वहां ले जा, समझ में गया, और ऐसे ही पुराना पुराना हथियार ब्रिटेन के पास भी था, फ्रांस के पास था, अमेरिका के पास था, वो सब अपना पुरनका पुरनका दे दिया सब यूक्रेन को, लो मारो पैसा दे देना हमको, लो मारो पैसा दे देना हमको, कबाड़ वाला नहीं समझते हैं, जैसे आप आठवां पास करके नौवां में चले जाते हैं तो आठवां की किताब बेच देते हैं, नहीं बेच देते हैं, आधा दाम में बेच देते हैं, याद हो गया, बताइए RS-37 कब्रिस्तान,
अस्थि पंजर, मोहन जोदो, विशाल अन्नागार, नॉर्मल अन्नागार, स्वास्तिक, दोनों स्वास्तिक, दोनों अन्नागार, दोनों पशुपति, मोहन जोदो, सभागार, स्नानागार, कांसे की नर्तकी, डांसर नर्तकी, कांसे की नर्तकी। आगे बढ़ जाए, तांबे का ढेर, मोहन जोदड़ो। देखिए मोहन जोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, मोहन जोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, लेकिन उसका एरिया बड़ा नहीं था। समझ में गया? एरिया बड़ा जो था वो था धौलावीरा का। किसका? धौलावीरा और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी और धौलावीरा का एरिया बड़ा था लेकिन शहर बड़ा नहीं था। अब आप पगलाएंगे, ये क्या बोल दिए सर, शहर बड़ा नहीं था, एरिया बड़ा था। अब देखिए ध्यान, कितने लोग बता सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पहले वहां पे जंगल था, चंपा का जंगल, चंपा आरण्यक, चंपा आरण्य, आरण्य मतलब होता है जंगल, आरण्य मतलब जंगल, तो चंपा का जंगल था, चंपा आरण्य, चंपा का जंगल, चंपा आरण्य, चंपा आरण, चंपारण मार दिया उसको, उलाट दिया उसका नाम, चंपा का जंगल को चंपा आरण, चंपा आरण, चंपारण भर दिया उसको। नहीं समझ आया? तो जंगल को आरण कहा जाता है, जंगल को क्या कहा जाता है? आरण। क्या कहते हैं? आरण, आरण। देखिए रण का मतलब होता है युद्ध, रण का अर्थ युद्ध, और जंगल में कभी युद्ध नहीं हो सकता था, इसलिए जहां युद्ध ना हो सके उसे आरण। समझ में आ गया? आरण, जहां रण ना हो सके, जहां रण ना, जंगल में रण होगा? जंगल में तो छुपने के लिए भाग जाएगा, रण नहीं होगा, तो चंपारण, तो आरण, आरण मतलब जंगल। किस चीज का जंगल? चंपा। अभी भी वहां जंगल है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह आज भी है कि नहीं वहां? अरे एक बार हम चंपारण गए थे, उधर रास्ता में को बहुत पतला सड़क था, और ना उस सड़कें बन ही रही थी अभी, मिट्टी उट्टी डाला था। अब गाड़ी क्रॉस करने के टाइम हम इधर से क्रॉस कर रहे थे, उधर से दूल्हा का गाड़ी क्रॉस कर रहा था। अब हमारा गड़िया तो निकल गया, हम उससे बोल रहे थे, हम ही इधर से चला रहे थे, ड्राइवर था, तो हम कहे तुम रुको हम भी चलाते हैं कभी कभी, ना तो भुला उला जाएंगे। तो चला रहे थे, उससे हम बोले थोड़ा सा और इधर ले लो, नहीं लिया। हम कह रहे इधर जगह है भाई ले लो, तो नहीं ले रहा था यहाँ पे, तले उधर से मटिया भंस गया बेचारा, दुल्हवा लेके उलट गया वो। एक्सीडेंट टाइप का नहीं था, लेकिन मिट्टी जब गाड़ी तिरछी है, मिट्टी भंस जाएगा तो गड़िया मतलब पलट जाएगा, भयानक चोट वोट नहीं लगा, लेकिन दूल्हा बेचारा दूल्हा पलट गया। अब दुल्हन नवी नहीं थी, दुल्हवा ले आने जा रहा था अभी। दुल्हन रहती तो पलटता थोड़ी ना, धंस जाता। तो हल्का था तो पलट गया। आगे बढ़ते हम लोग, तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन बहुत बड़ा शहर नहीं है चंपारण, नॉर्मल शहर है। एक तो सबसे बड़ा शहर बात करेंगे तो पटना है, लेकिन एरिया पटना का ज्यादा नहीं है। समझ में गया? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना, सबसे बड़ा स्थल पश्चिम। उसी तरह से मोहन जोदड़ो सबसे बड़ा शहर था, मोहन जोदड़ो सबसे बड़ा शहर, स्थल में धौलावीरा और राखीगढ़ी, स्थल में धौलावीरा राखीगढ़ी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, पुरोहित आवास, चौड़ी सड़क, स्नानागार, कुआं, कुआं समझते हैं? इनार, पानी निकालने वाला इनार, कुआं। पहले बचपन में कहते कुआं में थूकने पे ना कान पक जाता है, कि पाप पड़ता है, इसे करके बोलते पाप पड़ता है। काहे के लिए पहले लोग कुआं से पानी पीते थे, अब छोटे लड़के बदमाश थे कुआं में थूक देते थे, तो दिक्कत होगा यहाँ पे, इसलिए क्या किया जाए?
तो धार्मिक दृष्टि से ऐसा ना कहा गया कि डर पैदा कर दिया जाए। क्या पैदा कर दिया? डर, कोई कुआं में थूकेगा पाप पड़ेगा, यहाँ पर क्या जाएगा पाप पड़ेगा। एक देहात में पहले बोलता था कि झूठ बोलिएगा तो अंडा कटवाएंगे। अरे सच्चा तू नहीं, हम तो झूठ बचपन में बहुत झूठ बोले थे। अरे वो कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे अंडा कटवाते, हम कहे तुम मुर्गी कटवाओ। तो नहीं तो अंडा कौन चीज होता है, मुर्गी कटवाओ तुम यहाँ पे। कस्मे अगर झूठे कस्मे खाने से अगर कोई मरता तो सबसे पहले ऊपर वाला मरता, भगवान कसम। हर बतिए पे किसका कसम खाता है सब? भगवान कसम। हाँ धरती कसम सीधे निपटाता है सब, विद्या कसम। कसमे अगर सच होती तो सबसे पहले ऊपर वाला जाता। अब हम लोग अगला शहर देखते हैं, चन हुदड़ो। कौन सा शहर? चन हुदड़ो। चन हुदड़ो जो शहर था यह भी सिंधु नदी के किनारे था। चन हुदड़ो शहर किस नदी किनारे था? चन हुदड़ो किस नदी किनारे? नदी याद रखते चलिएगा। नदी पूछता है कौन सी नदी किनारे, किसने इसकी खोज किया था? गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, 1931। चलिए बाबू अब ध्यान से समझिए, डेट वोट नहीं पूछता है कब किस चीज का खोज हुआ। या तो पूछेगा आपका कि नदी कौन, नहीं तो खोजकर्ता, और नहीं तो क्या मिला। सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, उन्हें बाहरी हमलों से बच के रहना था, इसलिए सिंधु सभ्यता के शहरों के बाहर बाहर बाउंड्री हुआ करती थी। शहरों के बाहर क्या होती थी? बाउंड्री, जिसे दुर्ग या किला कहा जाता था, उन्हें जो विदेशी हमलों से बचा के रखता था। तो सिंधु सभ्यता के जितने स्थल मिले हैं सबके बाहर बाउंड्री मिली है, ई ससुरा के बाहर बाउंड्री नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कि यह दुर्ग रहित है, क्या है? दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, इसके पास कोई दुर्ग नहीं है। ये क्या है बाबू? दुर्ग रहित है। क्या? दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर था। क्या था? औद्योगिक, उद्योगिक शहर था, उद्योग यहां ज्यादा थे, औद्योगिक शहर था, यहां उद्योग ज्यादा थे। कहां पर? चन हुदड़ो में। कहां पे? चन हुदड़ो में। यहां पर मेकअप की सामग्री ज्यादा मिली है, मेकअप की सामग्री ज्यादा, जो जो नोकिया को आईफोन बनाने के काम में आता है, मेकअप की सामग्री ज्यादा मिली है। समझ आ गया? थोड़ रंगने वाला, ये नाखून रखने वाला, काजल, ये सब वहां पर मिला है। कहां पे? चन हुदड़ो में। सोचिए उस समय भी ये लोग का मेकअप होता था, उस समय से भी क्या था? मेकअप था। बताइए, ओ माय गॉड, दुर्ग रहित कौन किला था? औद्योगिक शहर, मेकअप का सामान आपके लिस्ट में सब मिला हुआ है। देखिए ध्यान से क्या क्या मिला है, पढ़िए, पढ़ो उसमें। पढ़ो, पढ़ लिए? शीशा, गुड़िया, अलंकृत ईट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, लिपस्टिक, मनका, सुई। सबको अगर ध्यान दीजिएगा तो महिला से रिलेटेड है, सुई महिला से रिलेटेड, गुड़िया महिला से, अलंकृत ईट महिला, अलंक ईटा पे क्या बना है डिजाइन। तो कुछ कुछ चीजें याद रखिएगा, ईट सिंपल ईट नहीं बोला है, ईट पे क्या बनाया? अलंकृत, अलंकृत, अलंकृत ईट मिला है। और क्या मिला है? सुई मिला है, मन का, गुड़िया, गुड़िया समझते हैं, एक रख ले रहती है ना ये, हाँ छोटे छोटे गुड़िया उड़िया रख ले रहती है सर। तो देखिए बाकी मेकअप वाला तो आपको ध्यान रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये तीन चार चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो पूरा का पूरा मेकअप वाला है, उठा ले जाइएगा जितना मेकअप में हो, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम वाले को भी पता है
फाउंडेशन क्रीम नहीं था, ई कौन क्रीम लगा दी, यो क्रीम बना दिया का कोनो, ई का लिए होता है, मतलब फाउंडेशन बैच की तरह वो भी फाउंडेशन क्रीम, मतलब धीरे धीरे काम करेगा, आएगो टारगेट क्रीम तुरंत मार देगा। अब अरे बाप, अब समझ में आया कि 300 का दिमागवा आखिर खर्चा हो कहां आ रहा है। हमको लगता है कि कम था, दूसरे जगह लगा दे रही है सभी सब, फाउंडेशन फाउंडेशन ही कोनो चीज है। आगे बढ़े, हाँ, मन का मतलब घायली घड़ा पतुकी हड़िया, नहीं समझे, उसका अलग अलग डिजाइन हो गया, मनका में सब चीज आ जाएगा। ऐसे ना मनका बोल दीजिएगा तो एक ही नाम में सब आ जाएगा, और नहीं तो अलगे अलगे बोलना पड़ेगा, हड़िया पतुकी सुराही लबनी ताड़ी उड़ी उतारने वाला क्या होता है लबनी हाँ, एक के बार में क्या बोल दीजिए मनका, कोनो डिजाइन बनाते रहे सब उसमें आ जाएगा, छिपली पलेट टाइप का होगा मट्टी का, ऐसे छिपली। आगे बढ़े, बिल्ली का पीछा करता हुआ, बिल्ली का पीछा करता हुआ, कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग कैसे पता चला है? तो यहां पर पंजों के निशान मिले हैं, आगे आगे बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता, इनके क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, सुई चनो दड़ो, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, हाथी का खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी RS-37 अस्थि पंजर, सुई 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 अस्थि पंजर, सूती वस्त्र, कैट्स एंड डॉग, कैट्स एंड डॉग चन हो दड़ो, औद्योगिक शहर, सबसे बड़ा शहर, पहली खुदाई, हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी, पशुपति की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, बिल्ली का पीछे कुत्ता का चिन्ह, मेकअप सामग्री, दुर्ग रहित, याद है आप लोगों को, कांसे की नर्तकी, नर्तकी मतलब नचनिया, कांसे की नचनिया, चन उदड़ो याद रहेगा, एनी प्रॉब्लम, चन उदड़ो में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखिएगा, चन हुदड़ो से चूड़ी नहीं मिला है, चूड़ी अलग होता है मेकअप से, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है, मेकअप का बॉक्स अलग होता है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? चूड़ी वाला बॉक्स में दो लकड़ी होता है, काम खत्म चूड़ी के बॉक्स का, उसमें करना है कौन चीज़, एगो एगो बॉक्स बनाना है रहता है, एगो लकड़ी ऐसे डाल देता है, इसमें चूड़ी पहना दो, इसमें चूड़ी पहना दो, मेरी मम्मी इसी में पैसा रखती, इसलिए हमको पता था कि मेरे लिए ये तन तनी उसमें से घसका देते थे, समझ आ गया, थोड़ा थोड़ा उसी में से घसका देते थे, एक बार पिटा गए बहुत बुरी तरह से, अरे भाई हम गए घसकाने के लिए तो लकड़िया उठाए, लकड़िया पैसवा निकलने के चक्कर लकड़िया टेढ़ा हो गया, सब चूड़िया ससर के नीचे गिर गया, और उमें धो के पिटा गए, लेकिन पिटाने के बाद तक मम्मी को पता नहीं चला कि पैसा निकालने आया था इसमें से, कही तोरा एम ए कौन चीज भुलाई ले रे ले उनको लगा कि फोड़ दिया यार, बाद में हमको लगा चलो मामला अभी मेन रास्ता पे नहीं गया दादा भाई दूना पिटा जाए, हम कहे गलती से हम खोज रहे थे कुछ चल गए इधर यार तो छूट गया यहाँ पे, मामला निपटा के निकाल दिए यहाँ चूड़ी यहाँ से नहीं मिला, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है, चूड़ी का बॉक्स अलग होता है और मेकअप का बॉक्स अलग होता है।
इसीलिए देखिए अगर महिला सबको कहीं जाना रहता है तो उनके पास लगेज ज्यादा रहता है सामान, आदमी लोग को उठाया चल दिया कहीं, उसको कौन जी रहता है हाँ? अरे उसको कोई झमेला भी नहीं रहता ना आदमी को, कोनो चीज कोनो साबुन मिला मुंह पे रगड़ देगा, देखेगा कोई नहीं घड़ी साबुन मार दे। अगला है रोपड़। यज्ञदत्त शर्मा पंजाब में सतलज नदी के किनारे, रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी के किनारे, रोपड़ कौन सा जगह है? रोपड़। रोपड़ कहां पर है? पंजाब। नदी का नाम सतलज, सतलज नदी। कौन सी नदी? किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा। देखिए रोपड़ से याद क्या रखना है? रोने वाला चीज आदमी, रोपड़ से रोने वाला चीज है। यहाँ आदमी के साथ साथ मानव के साथ साथ उसके जानवर को भी दफना दिया जाता था, समझा गया? आदमी के साथ साथ किसे दफना दिया था? जानवर। हालांकि बुर्जुहोम में आदमी के साथ साथ कुत्ता को दफनाया गया, आदमी के साथ साथ कुत्ता को, समझा गया कि नहीं? हरियाणा में एक जगह था दमदमा, वहां तीन लाश, वहां कितना लाश मिला? तीन, तीन तीन लाश मिला है। गुजरात के लोथल में दो दो लाश मिला, कितना लाश मिला है? दो दो लाश। लेकिन यहाँ याद रखिए रोपड़ पंजाब में मानव के साथ साथ उसके जानवर ही, अब कोई बकरी पाला था तो बकरी दफना दिया, कोई कुत्ता पाला तो कुत्ता दफना दिया, जो उनका फेवरेट जानवर था उनको भी दफना दिया। अब बताइए दोनों एक साथ तो मरा नहीं होगा सब, तो हो सकता है कि ये निपटा तो के जबरदस्ती निपटा देता होगा, सो जाओ भैया अब तुम भी जाओ, तुम्हारा मालिक चला गया यहाँ पर। तो बताइए रोपड़ में क्या मिला? मानव के साथ साथ, रोपड़ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों के सौ मिले, सौ मतलब लाश, सौ मतलब लाश। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। बुर्जुहोम में आदमी के साथ कुत्ता, आदमी के साथ कुत्ता, आगे बढ़े। खोजकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। अब लाश उस दफनाने से पहले यज्ञ कराइए देना पड़ता है, नहीं समझ में आया? यज्ञ से क्या करेंगे? यज्ञदत्त शर्मा। अब आदमी दफना रहे हैं, कुत्ता दफना रहे हैं, यज्ञ करा दीजिए यहाँ पे, आत्मा को इसको क्या मिले? शांति मिले यहाँ पर। किसी को दिक्कत? और गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार चन हो दड़ो, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, दयाराम सहनी, आगे बढ़ जाएं। अगर जानवर, ये देखो ये तो अलग ही दुनिया का है। सर ये भी तो हो सकता है कि जानवर मरा हो तो उसके साथ आदमी को मार के दफना है। अगला बनवाली, अगला जगह बनवाली, ये हरियाणा में है। अगला जगह बनवाली, इसकी कुलाई रविंद्र सिंह ने किया, यह हरियाणी में, हरियाणा में है। रंगोई नदी इसके पास था, तो छोटी सी नदी है रंगोई नदी। तो बताइए बनवाली कहाँ है? बनवाली, बनवाली कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा है। कहाँ? हरियाणा। कौन सी नदी? रंगोई, रंगोई नदी। लेकिन ये छोटी नदी थी, इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था। पूरे सिंधु सभ्यता में पानी के निकालने की सबसे बेहतरीन व्यवस्था मिली है हर जगह पे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो या कोई भी जगह हो, वहाँ पे पानी जाम, पानी की समस्या नहीं थी। पटना में आधा घंटा बारिश हो जाएगा तो किचाइन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पानियों को निकलने के लिए चौड़ी चौड़ी नालियाँ होती थी, और नालियाँ 90 डिग्री पर एकदम सीधा होती थी, और नालियों में कचरा ना जाए इसलिए नालियों के ऊपर ढक्कन लगाया गया था। सोचिए आज से 5000 साल पहले, यानी हम लोग 2000 साल तो जी चुके हैं, और वो ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले था। तो ईसा के जन्म के 2500 साल पहले सिंधु सभ्यता था, और हम लोग ईसा के जन्म के 2000 साल अभी जी चुके हैं, 2023 साल। तो 2500 पहले और 2000 इधर, टोटल 4500 साल पहले वो लोग इतना डेवलप थे कि नालियां ढक के रखते थे, नालियां ढक के रखते थे, इतना डेवलप थे। हमारे यहाँ पे देखिएगा अभी भी पटना की बहुत सी नालियां खुली हुई हैं, खुली हैं कि नहीं यहाँ? और वहाँ पे
जितने जगह जो था वो नालियां ढकी हुई थी, लेकिन यहां में नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं मिली है, यहां नालियां ठीक नहीं मिली है। यहां पे घर में ही सोख्ता बनाया गया है, हर एक घर में छोटा सा गड्ढा खोद दिया गया है, उसमें पानी जाते रहेगा। पानी का है कि भाप बन के उड़ता भी है। सपोज आप एक कोई तालाब बन, कोई छोटा सा गड्ढा खोद दिए हैं, उसमें 100 लीटर पानी का जगह है, तो छोटा सा गड्ढा में कोई दिक्कत नहीं। दिन भर में आप मान के चलिए 50 लीटर पानी आपका यूज का हुआ, तो उस गड्ढा में गया 30 लीटर भाप बन के उड़ गया, कुछ पानी सोख ले गया, तो धीरे 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 वो क्या होता है, मैनेज होते रहता है। तो अभी भी देखिएगा आप लोग के गाँव में भी जिनके घर में पानी निकालने का व्यवस्था नहीं रहता, एगो सोख्ता बनी ले रहता है गड़ाहा, समझ में आ गया, वही सोख्ता या गड़ाहा। तो यहाँ पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, यहाँ जल निकासी की बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। इसकी खुदाई किसने किया था? रविंद्र सिंह। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसका घरों में क्या मिला? सोख्ता मिला। और यहाँ की नालियां भी अच्छी नहीं थी और ना ही सड़कें अच्छी थी। तो बताइए यहाँ पर नाली की व्यवस्था थी नहीं, सड़क की व्यवस्था थी, सड़कें की भी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए घरों में क्या मिला? सोख्ता। आधा खौर आएगा, ख को आधा कर लीजिएगा, उसने ख एक बटा दो। सोख्ता क्या बना है? सोख्ता। घर में ही क्या बना दिया? सोख्ता। घर में सोख्ता। हरियाणा में ही एक जगह मिला है कुणाल, जहां चांदी का ढेर मिला है। हरियाणा में एक जगह कौन सा है? कुणाल। कुणाल ये भी कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा में यहां से क्या मिला? चांदी का ढेर। क्या मिला है? चांदी का ढेर। इसका मतलब ये हुआ कि सिंधु सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे, तांबा से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। कुणाल की जगह पे, कुणाल हरियाणा में हिसार जिला में है, यहाँ पे किस चीज का ढेर मिला है? चांदी का। किस चीज का? चांदी। यहीं पे एक जगह है, यहाँ पे राखी गढ़ी, हरियाणा में ही राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये भी क्या है? हरियाणा में। हरियाणा में राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़। इसके बाद नंबर आता है धौलावीरा का, इसके बाद नंबर धौल। हरियाणा में तो अच्छा खासा मिल गया जी, बनवाली नाम है लेकिन कोई चीज बनल बनावल नहीं है, देख रहे हैं, नाम है बनवाली, न नाली बनाया है न सड़क बनाया है, बनाइले है तो सोख्ता, नाम रख ले बनवाली, लग रहा है कि ताजमहल बना के रख ले। ऐसा नाम तो मोहनजोदड़ो का नहीं है, सबसे ज्यादा सुविधाएं मोहनजोदड़ो में, और नाम है लाशों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, देख रहे हैं, उसका नाम तो नाम पे जाने लायक नहीं है, अब नाम कुछ हो जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं रहा है, अनपढ़ रह रहा है, नाम वकील रख दे रहा है, इंजीनियर भी रख लेता है, हाँ होता है। हालांकि गांव में एक मान्यता भी है कि अगर कोई खराब नक्षत्र में पैदा हो जाए, ऐसे गांव में मान्यता है कि कोई खराब नक्षत्र या ग्रह दशा ठीक ना हो उस समय पैदा हो जाए तो उसका नाम बिगाड़ के रखा जाता है ताकि लोग हंसे, तो उसका ग्रह वगैरह कट जाएगा, नहीं समझ आया, तो उसका नाम ही बिगाड़ देता है, घोड़पड़ास, नहीं समझ आया, बहारन, देखते हैं ऐसा ऐसा नाम हो जाता है, भगावल, फेकू, मंगरू, कुत्ता, कारू, तो ऐसा लंबू, विनोद, विनोद तो ठीक है ना, पंचायत वाला चौपट कर दिया विनोद। आगे बढ़े बाबू, बोलिए, हरियाणा में कौन जगह था सबसे बड़ा? हरियाणा का जगह राखी गढ़ी, हरियाणा में सबसे बड़ा जगह राखी, राखी गढ़ी, किसी को दिक्कत? सबसे बड़ा जगह राखी गढ़ी, चांदी का ढेर, चांदी का ढेर कुणाल, बनवाली नाम था, कोनो चीज बढ़िया था, हाँ
सब चीज क्या था चौपट, सड़के सबसे चौपट बनवा ले, सड़के टेढ़ी मेढ़ी बनवा, नालियां खुली हुई बनवा, नालियों की कमी बनवा, घर में स्वच्छता, जानवर और आदमी एक साथ दफनाया गया, रो पड़, जानवरों मरेगा आदमियों मरेगा तो लोग रोएगा कि नहीं रोएगा, तो बताइए रोपड़ में मानव के साथ साथ जान मर गया तो यज्ञ कराइए, यज्ञदत्त शर्मा, किसने कुछ किया, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा किस राज्य में है, पंजाब, रोपड़ पंजाब, किस नदी किनारे, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित चन हुदड़ो, मिट्टी का हल कालीबंगा, कालीबंगा मिट्टी का हल जब भी पूछेगा कालीबंगा, तुम कंफ्यूजन में रहता है, देखिए सिंधु सभ्यता के 250 में से 200 स्थल अकेले गुजरात में मिल गया, अभी खोज चालू है लेकिन लगभग 250 का खोज खुदाई होकर प्रॉपर जानकारी मिल चुकी है, और 250 में से 200 अकेले कहाँ है, गुजरात में, समझा गया कि नहीं, गुजरात में ही सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल है। अब हम लोग पाकिस्तान वाला निपटा दिए, कश्मीर का बुर्जहोम देख लिए, पंजाब का रोपड़ देख लिए, हरियाणा का बनवाली कुणाल राखीगढ़ी देख लिए, अब राजस्थान का हम लोग को देख लेना कालीबंगा, राजस्थान का कालीबंगा, और लास्ट में उतरेंगे गुजरात, क्योंकि सबसे ज्यादा जगह मिला है गुजरात, तो नक्शा के हिसाब से हम लोग नीचे भी उतरते जा रहे हैं, कश्मीर देखें पहले, पाकिस्तान देखें, कश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान उसका गुजरात, गुजरात के बाद सिंधु सभ्यता समेट देंगे, सबके लिए सब गुजरात में व्यवस्था, गुजरात आते हैं तो इस सबको देख लेते हैं, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए, आगे बढ़े, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कब देखेंगे, मंडे को, मंडे को हम इसको कंप्लीट कर देंगे, अब मंडे 2 दिन है आपके पास, अब अच्छे से रिवीजन करके आइएगा, मंडे को कंप्लीट कर देंगे, चलिए।